the VIP is acting guru and Suraj as gay chela. Rohit ji, Arshna ji, आज के बाद मैं मिमिक्री नहीं करूंगा, इसलिए आज तो करूंगा। इस शो का क्या भरोसा बाबा, 30-40 साल के बाद बंद हो जाए। इसलिए मैंने अपने खुद की एक्टिंग स्कूल खोल लिए। इस स्कूल में लगभग सारे एक्टर स्टूडेंट को एक्टिंग सिखाते हैं। एक्टर तो मेरे पास है, बस कोई स्टूडेंट आ जाए। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। गे, 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 गे। मैंने सुना है यहाँ पे कोई एक्टिंग गुरु जिन्हें किसी स्टूडेंट की तलाश है। बिल्कुल सही सुना है तूने। ये बता, तू एक्टिंग क्यों सीखना चाहता मेरे भाई? सर, बचपन से मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक फिल्म में हीरो लॉन्च हूँ। अरे मैंने तो फिल्म का नाम भी सोच रखा है, गे वफा सनम। सर, हीरो बनने के लिए जो गुण चाहिए ना, उसके लिए मैं पूरी ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। सलमान जैसी बॉडी बनाने के लिए मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पास में है ना अर्चना हेल्थ क्लब, ऊपर डांस भी सिखाते हैं। किसके ऊपर डांस सीख रहा है तू? नहीं मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे बाबा। फिर तो तेरे टीचर को डर लगता होगा, कब तू उसके साथ गलत स्टेप ना उठा ले। नहीं नहीं, हमारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं। कल तो उन्होंने क्या किया, डांस भी सिखाया। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इतना सब कुछ सीख रहा हूँ तो क्यों ना लगे हाथ में एक्टिंग भी सीख लूं, शायद किसी फिल्म में काम आ जाए। आप सिखाएंगे ना सर? एक्टिंग तो मैं सिखा दूंगा। ये देख, ये है एल्बम, इसमें सारे एक्टरों के फोटो है, एक एक करके मैं उठाऊंगा, जिस एक्टर की फोटो आएगी उसकी तुझे एक्टिंग सिखाऊंगा। ओके भगवान, पहली फोटो कहीं हरमन की ना हो, मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे अरे, ये वही है, ये वही ना जिसको जिनको सनी ने अपना पापा रखा हुआ है। अबे ये कोई स्कूटर है जो रखा हुआ है? अबे ये सनी के पापा ही है। अपने जमाने में हैंडसम हीरो थे ये। और इनका बेटा अपने जमाने का हैंड पंप हीरो है। हैंड पंप छोड़ और उंगली कर, ऐसे उंगली कर और डायलॉग बोल। ओके कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओके डॉगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ शैलियों, मैं अगला खुलता हूँ। ओके ओके, हे वानन हिलता बहुत है। हाँ ये हिलते ही हैं या फिर एक्टिंग भी करते हैं? एक्टिंग की बात मत कर तू। सॉरी, एक अकेला एक्टर है जो एक ही सेट पे दो दो फिल्में करता रहता है। वो कैसे कैसे करता है सर? ऐसे, माँ माँ तुम कहाँ हो? राम जादे क्यों? माँ मधु कहाँ है? राम खो तुम। अब डायलॉग बोल। हाँ, बोली बोली। नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दू, वो मैं वो परवाना जो पत्थर को मोम कर दू। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अबे प्यार भर रहा है या साइकिल में हवा भर रहा है तू? ऐसा करेगा तो सब लोग अपनी साइकिल लाएंगे, हवा भरवाएंगे, निकल लेंगे और तेरा पंप भी ले जाएंगे। क्या करता है यार बंदा? बंदा है कि बंदे पता नहीं है? कृष्णा एक्टर है ये तो, बहुत ही नेचुरल एक्टर है, जो कुछ भी करता है ना बहुत नेचुरली करता है। ताकि ओ ताकि ओ ताकि 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 अबे ताकि की माँ की। तू निकल ले, तूने मेरे दिमाग के चार टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा फेंक के मारूंगा याददाश्त चली जाएगी, निकल ले। तो हीरो बनना है सर? कैसे हीरो बन सकता नहीं है तू? तो हीरोइन बना दो सर, हीरोइन की टिकट दे दो। एक शर्त पे। क्या? मैं तुझे खाली एक ही हीरोइन की एक्टिंग सिखाऊंगा। हाँ।
जिसके अंदर सारी हीरोइन के गुण होंगे। ओके ओके सर, कौन है वो लकी हीरोइन जिसकी एक्टिंग मैं सीखूंगा? वो लकी हीरोइन है राखी। राखी सर, इसकी एक्टिंग आती है मुझे। ओ कहाँ है मीडियाज ओ जीजस यहाँ की किस मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए रखी थी। राखी सावंत नहीं, मैं बात कर रहा हूँ राखी गुलजार। ओ ये न्याय नहीं अन्याय है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वाओ सर, करण अर्जुन यानी कि शाहरुख और सलमान ना? करेक्ट। ओके, शाहरुख का तो पता था लेकिन सलमान भी आएंगे। अब मैं समझा वो क्यों कहते थे आओ हमारे साथ खेलो 10 का दम। सर मुझे भी इनके साथ 10 कदम खेलना है। आपकी तो बहुत पहुंच होगी सर। मिलाइए ना सलमान से। सर सलमान से मिला। अबे दूर हट। क्यों? इससे पहले हम सब लोग के साथ 10 कदम खेले, 10 नंबर दे दो। प्लीज वेलकम परेश एज शाहरुख एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। और ये बॉल अशफाक खान के पास, और अशफाक खान एकदम गोल पोस्ट के पास, और ये अरे ये बॉल कहाँ गया? और बॉल दूसरी टीम वाले छीन कर ले गए। अरे ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो खुला चीटिंग है। मैं बॉल अपने घर से लाया था। मिस्टर अशफाक कोच, टीम से बाहर किया जाता है। सॉरी सर। 70 मिनट पास मांगने में लगा देते हो, इतनी देर में सामने वाला खिलाड़ी गोल कर देता है। गेट आउट। अरे सुनो, ठीक है कोई बात नहीं कोच जी, आपने मुझे निकाल दिया, अब मैं कोच बनकर दिखाऊंगा। 12 लड़कियां तैयार करूंगा, 11 हॉकी के लिए और 1 अपने लिए। सुरविन तू आना, क्योंकि 12वीं खिलाड़ी तू ही है। गुरुजी मुझे हॉकी सिखा दीजिए। अरे ऐसे कैसे हॉकी सिखा दूंगा, और ये क्या है, चलो उठाओ। अच्छा। अरे मुझे नहीं, घूंघट उठाओ। अरे इससे तो घूंघट ही अच्छा था। प्लीज मुझे हॉकी सिखा दो सर। सर मेरे बड़े फायदे हैं, मैं 1 गोल करूंगी और 3-3 गोल होंगे। अरे मोटी ये खेल इतना आसान नहीं है। अरे सर हम सीरियल वाले ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि दिमाग का दही कर देते हैं। पहले वाला जो मेरा पति था ना, उसने पर डे पैसा ज्यादा बढ़ा दिया तो मैम ने उसे मार दिया। बाद में मुझे देवर ने रख लिया, जब उसने मुझे तलाक दिया तो मैं भतीजे के साथ सेट हो गई। जब मुझे भतीजे ने छोड़ा ना तो मैं इंडिपेंडेंट होगी, 4-5 मैंने रख लिए। ओके ओके ओके, यू आर सिलेक्टेड। ओके फाइन, क्या नाम है तुम्हारा? व्हाटएवर यार, मेरी एक प्रॉब्लम है कि 1 से 17 तक की सारी डेट्स मेरी ब्लॉक है, समझे? अरे और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। अब क्या? मुझे अलग से वैनिटी चाहिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। और हाँ बाद में मत कहना भड़क जाती हूँ। और हाँ भाई भाग यहाँ से। देखा, डर के भाग गई। ए छोटू, तेरे डर से नहीं भागी, वो तो आज करवा चौथ है, पति से पहले घर पहुंचना है। अरे लेकिन अर्चना तो यही है। अरे हाँ अर्चना जी, आप तो करवा चौथ यही मनाएंगे ना? परमित बार बार आता ना यहाँ पे। मैं तितली चंपा बार से। अरे ये बार नहीं है, यहाँ खेलना पड़ता है। सर मैं भी बहुत खेली दिलों से मालूम। यहाँ पसीना बहाना पड़ता है। मैं भी उधर बहुत पसीना बहाती, कितना नाचना पड़ता है मेरे को मालूम। अरे खिलाड़ी लोग बॉल ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। तो क्या सेठ, उधर बेवड़े लोग भी ऐसे ऐसे होते रहते हैं। मजाल है, मैंने किसी को निकलने दिया मालूम। ओके यू आर सिलेक्टेड। लेकिन सुन, प्रैक्टिस सुबह 4 बजे शुरू होगी। इसमें लोचा है। क्यों? मैं तो 4 बजे घर आती।
तो एक काम करना, अभी शुरू कर ले, ये ले पकड़ हॉकी, खेल के दिखा। मेरे को हॉकी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं तो अखियों से खेलती। तेरी आंखें फोड़ दूं उसके पहले निकल तू। अरे सेठ मैं मसाज भी देती। अरे चल निकल। अरे सेठ मेरे को रख ले टीम पे। चल निकल। रख। अरे चल निकल। अब लड़कियां कहां से लाऊं यार? सुरविन कैन यू हेल्प? कौन है तू? तू कौन है? सर मैं भारती, पंजाब से। स्टेट्स के नाम ना मुझे सुनाई देते हैं ना, दिखाई। सर मैं भारती, गली नंबर 5। गुड। तुम्हारा शौक क्या है? खाना खाना। तो तुम हॉकी मत खेलो, भूखे मरोगी। आपकी सेहत देख के लग ही रहा है सर। हाँ? अगर आपको भी भरपेट खाना खाना है ना। हाँ? तो मेरे साथ कॉमेडी सर्कस में चलो। नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत बेइज्जती होती है। क्या बात करते हैं सर, उधर बेइज्जती के पैसे मिलते हैं। हाँ? इधर में तो मुफ्त में हो रही है। हाँ। ये भी सही है, तो एक काम करता हूँ तेरे साथ कॉमेडी सर्कस चलो। चलो सर। सर चल। ये क्या, इन दो बैगों में क्या है? अरे ये बॉलीवुड के हर स्टार के पास ये दो बैग होती है। अच्छा। छोटे में टैलेंट होता है और बड़े में ईगो। चलो। एक मिनट सर, मैं जहां आपको लेके जा रही हूँ ना। हाँ? वहां हमारे सब खिलाड़ियों के पास एक बड़े वाला बैग है बस। इतना बड़ा ईगो है सबका? अरे नहीं सर, बड़ा बैग भर के टैलेंट। ये है सर कॉमेडी सर्कस, और वो देखिए हमारे टैलेंटेड इनसे भी बड़े बैग वाले जजेस। देखते हैं कितने टैलेंट वाले कमेंट्स देते हैं।